आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन? पूछा गया है कि रिकॉम्बिनेशन का सिग्निफिकेंस क्या है। तो रिकॉम्बिनेशन के मतलब से हम लोग क्या जानते हैं कि दो सिस्टर क्रोमैटिड्स जो हैं वो क्या होते हैं, वो आपस में एक दूसरे से, सिस्टर नहीं, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड से मैच करते हैं, और जिससे कि जीन जो है वो ट्रांसफर होता है और न्यू ऑर्गेनिज्म या फिर न्यू जीन्स जो है वो टेक प्लेस करते हैं। इसके एग्जाम्पल में देखते हैं कि मान लीजिए दो सेल है जहाँ पे दो क्रोमोसोम्स जो है वो ऐसे लिंक्ड है, ये दोनों ही सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं जो कि आपस में लिंक्ड है। इसको हम लोग स्ट्राइप कर देते हैं और एक को हम लोग नॉर्मल रखते हैं। तो जब रिकॉम्बिनेशन टेक प्लेस करता है तो क्या होता है कि ये जो नॉर्मल क्रोमोसोम है इसके दो आर्म्स हैं, और वही एक आर्म जो कि दूसरा नॉन सिस्टर क्रोमैटिड है उससे जाके मैच हो जाता है या फिर लिंक करता है, जिसके लिए जीन्स जो है वो क्या होता है, ट्रांसफर होते हैं और न्यू जीन्स या फिर न्यू कॉम्बिनेशंस भी हम लोग कह सकते हैं तो वो प्रोड्यूस होता है। अब ये जब रिजॉल्व होता है तो कैसा स्ट्रक्चर प्रोवाइड होता है? तो स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह से प्रोवाइड होता है, ये पूरा नॉर्मल रहता है और जितना पोर्शन यहाँ पर लिंक्ड हुआ वो क्या है, वो हो गया चेंज इन द जीन। तो ऐसे क्रोमोसोम्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं इस टाइप के, ये हो गया वाइट और बाकी सारे रह गए स्ट्राइप्स। तो ये हो गया यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन। अब पूछा गया है सिग्निफिकेंस, तो अगर सिग्निफिकेंस का बात करें तो प्रोडक्शन ऑफ न्यू जीन्स जो है यही चीज हो जाएगा सिग्निफिकेंस, या फिर हम लोग न्यू कॉम्बिनेशंस भी कह सकते हैं, न्यू कॉम्बिनेशंस ऑफ जीन्स, जिसकी वजह से वेरिएशन जो है वो टेक प्लेस करता है और जो कि नेचर में आगे बढ़ने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।